हाय फ्रेंड्स, मेरा यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं ड्रीम इलेवन का टीम देने जा रहा हूँ फुटबॉल का, जो है लिवरपूल बनाम साउथहैम्पटन, जो एक इंग्लिश प्रीमियर लीग फैंटेसी लीग का मैच है। टीम देने के आगे मैं एक बात बोल देना चाहता हूँ, लिवरपूल इंग्लिश प्रीमियर लीग में सेकेंड पोजिशन पर है और साउथहैम्पटन 13 रैंकिंग पे है। तो मैं एक टीम एडिट कर चुका हूँ, देख लेते हैं मेरा टीम। फ्रेंड्स, गोलकीपर सेक्शन में मैं लिवरपूल का एलिसन बेकर को साथ जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, ये मैच लिवरपूल का जीतने का चांस है ज़्यादा है, तो लिवरपूल का 7 प्लेयर लिवरपूल का और 4 प्लेयर साउथहैम्पटन का मैं लूँगा। आप भी लेना चाहोगे, लिवरपूल का जीतने का चांस ज़्यादा है। लिवरपूल का एलिसन बेकर को मैं गोलकीपर में रखूँगा। तो फ्रेंड्स, एलेक्स मिखाटी जो साउथहैम्पटन का गोलकीपर है, आप लोग वो भी रख सकते हो, उसका फॉर्म भी अच्छा है। लेकिन लिवरपूल का जो जीतने का चांस ज़्यादा है, तो मैं लिवरपूल का ही गोलकीपर लूँगा। एंड्रयू रॉबर्टसन जो लिवरपूल का एक अच्छा डिफेंडर है, अच्छा डिफेंड करता है और एक अच्छा प्लेयर भी है और उसका परफॉर्मेंस भी अच्छा चल रहा है, तो मैं एंड्रयू रॉबर्टसन को लूँगा। और ड्रीम इलेवन में अच्छा स्कोर किया है उन्होंने अभी तक। फिर आता है ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड जो लिवरपूल का एक अच्छा डिफेंडर है और ड्रीम इलेवन में अच्छा स्कोर किया है। फ्रेंच डिफेंडर में सिर्फ लिवरपूल का ही प्लेयर लेना होगा, वर्जिल वैन डिक के, जो लिवरपूल का एक डिफेंडर अच्छा है, जो उसका परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है, तो मैं वर्जिल वैन डिक को लूँगा। फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंडर लिवरपूल का ही ले। मिडफील्डर में मैं मोहम्मद साला, जो एक अच्छा प्लेयर है और उसका भी परफॉर्मेंस अभी तक अच्छा चल रहा है और ड्रीम इलेवन में अच्छा स्कोर किया है, तो मैं मोहम्मद सलाह को मेरे टीम में पिक किया हूँ। और मैं नेथन रेडमोंड जो साउथहैम्पटन के टीम में है, वो अच्छा मिडफील्डर है, उसका परफॉर्मेंस भी अच्छा चल रहा है, तो मैं साउथहैम्पटन की टीम से नेथन रेडमोंड को लिया हूँ और मोहम्मद एल उनसुई को साउथहैम्पटन टीम से लिया हूँ। फिर मैं लिवरपूल का एक अच्छा मिडफील्डर नेवी कैटा को मेरे लिवरपूल टीम में लिया हूँ, जो पिछले मैच में चैंपियंस लीग मैच में गोल दगा था, तो मैं नेवी कैटा अच्छा परफॉर्मेंस में चल रहा है, तो मैं उसको लूँगा। फिर पियरे होल्सबर्ग जो साउथहैम्पटन के मिडफील्डर है, मैं उसको लूँगा। फ्रेंड्स, आप जेडन शाकिरी और सैडियो मैने और जेम्स मिलनर को आपके टीम में शामिल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, फिर प्लेइंग इलेवन में सैडन शाकिरी का चांस थोड़ा कम है, लेकिन जेम्स मिलनर और माने को आप अपने टीम में रख सकते हो। स्ट्राइकर ऑप्शन में रॉबर्टो फिर्मिनो, जो एक अच्छा स्ट्राइकर है, पिछले चैंपियंस लीग मैच में एक गोल दागा था लास्ट मिनट में पीएसजी के विरुद्ध, तो फिर्मिनो अच्छा परफॉर्मेंस में दे रही है और अच्छा परफॉर्मेंस है उसका, तो मैं रॉबर्टो फिर्मिनो को मेरे टीम में स्ट्राइकर ऑप्शन में रखूँगा। फिर आती हूँ शेन लॉन्ग जो साउथहैम्पटन का एक अच्छा स्ट्राइकर है, उसका परफॉर्मेंस अभी तक चल नहीं रहा, तो तब फिर मैं शेन लॉन्ग को ही मेरे टीम में रखूँगा, वो अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है मेरा मानना है। तो आप फ्रेंड्स डैनी इंग्स और के साथ भी जा सकते हो, लेकिन मैं शेन लॉन्ग के साथ ही जा गया हूँ। तो फ्रेंड, देख लेते हैं मेरा टीम में कैप्टन रखा हूँ मैं रॉबर्टो फिर्मिनो को कैप्टन, जो अच्छा फॉर्म में चल रहा है, और मोहम्मद सलाह को मैं वाइस कैप्टन रखूँगा। तो आप फ्रेंड्स एंड्रयू रॉबर्टसन को कैप्टन वाइस कैप्टन और ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड को भी कैप्टन वाइस कैप्टन रख सकते हैं, मोहम्मद सलाह को भी कैप्टन वाइस कैप्टन रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा मेरा टीम प्रीव्यू। मैं ये टीम से काफ़ी सारे मैच लगा चुके हैं स्मॉल लीग में, तो आप ही काफ़ी सारे मैच में पैसा लगाओ और ढेर सारे उन करो
ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, ये मेरा टीम आज का। कैसा लगा मेरा वीडियो दोस्त? जो आप वीडियो मेरा अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक मेरा वीडियो और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं हर दिन ड्रीम इलेवन में क्रिकेट और फुटबॉल का टीम मेरे चैनल में देता रहूं, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरा टीम को हर दिन ले क्रिकेट और फुटबॉल का, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल से के साथ जुड़ जाए और ढेर सारे मैच खेले और ढेर सारे उन करे। तो आज के लिए यह पड़ी फ्रेंड्स, बाय फ्रेंड्स।